जनरली क्या होता है, कोई भी आयोजन होता है, शोभा यात्रा होती है, जुलूस होता है, एक या दो या तीन ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनको हम परमिशन देते हैं और सारी जिम्मेदारी फिर उनकी हम फिक्स करते हैं कि भाई आप इस टाइम पर निकलेंगे, इस टाइम तक पहुंचेंगे, रास्ते में इस प्रकार से चलेंगे, आपत्तिजनक टिप्पणी नारेबाजी नहीं करेंगे। अब यहाँ का जो इतिहास रहा है, जो मुझे पता चला है कि यहाँ पर कभी वो सिस्टम हुआ नहीं है, कोई सिंगल ऑर्गेनाइजर नहीं है, अलग अलग मोहल्ले से छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं फिर जाते हैं, तो उसमें फिर इस तरीके की समस्या आती है कि भाई बोले तो बोले किसको, वो तो भीड़ हो गई, फिर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जिसको हम जाकर बोल सके कि भाई लेट हो रहा है चलो, वो बोलेंगे कि उसको बोलो, वो बोलेंगे उसको बोलो। इसलिए आप लोग सब मौतबर लोग यहाँ पर हैं, तो आप लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि टाइमिंग का हमें थोड़ा ध्यान देना है। हमारा ये प्रयास रहे कि 12 बजे तक पहुंच जाए। 1.5-2 किलोमीटर का रूट है, 1.5-2 किलोमीटर का रूट मेरे ख्याल से झुंझुनू के नवलगढ़ में 12:30 बजे निकल गई थी और आज तक का रिकॉर्ड देख लो, उठा के 12:30 बजे निकल जाती है, 12:30 बजे तक पहुंच जाती है। कोई नहीं, किसी समाज का कोई भी होली, जैसा मैंने बोला कि पूरे देश का त्योहार है, कोई किसी धर्म विशेष या समाज विशेष का त्योहार नहीं है, सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग, सारे समुदाय के लोग बिल्कुल भाईचारे से मनाते हैं। अब बात यह है कि अभी इस बार आचार संहिता लगी है, धारा 144 लगी हुई है, ठीक है, और आप अपने लेवल पर तो त्योहार मनाना आपका हक है, संवैधानिक हक है, तो आप अपने लेवल पर जितने बजे भी मनाना चाहे मनाए, पर जब कोई पब्लिक कोई प्रोसेशन निकलता है, आप अपने घर में मनाए, परिवार के साथ मनाए, तो उसमें हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो आपका हक है, शाम को मनाना है, रात को मनाना है, सुबह मनाना है, कभी भी मनाए, पर जहां तक एक पब्लिक प्रोसेशन की बात होती है, ठीक है, उसका पूरा रेगुलेशन जो है वो पुलिस और प्रशासन करता है लोगों के साथ बातचीत करके। देखिए पुलिस और प्रशासन कोई अलग तो है नहीं, समाज का हिस्सा है, बिना आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो टाइमिंग, रूट, ये सब इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स के साथ चर्चा करके हम डिसाइड करते हैं ताकि किसी की जिम्मेदारी फिक्स की जाए। होता क्या है कि यहां पर तो बात करना ठीक है, मैं अपनी बात कह दूंगा, आप लोग अपनी बात कह देंगे, वहां मौके पर फिर जिम्मेदारी कौन लेगा, बात वो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है आप लोगों में से, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, तो जिम्मेदारी फिर हमें लेनी है हर चीज की, है ना, अल्टीमेटली जिम्मेदारी हमें लेनी है, पुलिस को लेनी है, प्रशासन को लेनी है। तो मेरा बस निवेदन ये है कि हमारा ये प्रयास रहे कि जो ये प्रोसेशन एक पब्लिक प्रोसेशन है, इसका कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, तो थोड़ा सा टाइमिंग पर आप लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे, उसमें 15-20 मिनट ऊपर नीचे, सवा का एक हो जाएगा, एक का पौने एक हो जाएगा, कोई किसी का कुछ नुकसान नहीं, वो बस मन, अपने मन वाली फितूर की बात है कि सवा का टाइम था, मैं 15 मिनट पहले क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, कोई क्या हो जाएगा, अपन को तो त्योहार मनाना है ना, अपन को सवा या एक थोड़ी करना है, या इसी रूट से जाएंगे और यहीं पर ये करेंगे, अपन को तो जितना शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ खुशी के साथ, देखा त्योहार का समय है, खुशी का है, अब उसमें इतना टेंशन लेकर कि भाई इतने बजे निकलना है, इतने बजे पहुंचना है, ठीक है, उससे फिर त्योहार का पूरा वो मजा भी किरकिरा हो जाता है। तो ये जो पब्लिक प्रोसेशन है, इसका हमें थोड़ा रेगुलेट करना है, उसके आगे पीछे तो आप लोगों की इच्छा है, आप लोग जैसे मनाना चाहे, अपने पारिवारिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर मनाएं, तो बिल्कुल उसमें कोई समस्या नहीं है, पर ये प्रोसेशन का टाइमिंग हमें थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक देखिए अब इतिहास रहा है तो हम अपनी तरफ से तो सावधानी रखेंगे, और खासकर अभी जैसा मैंने बताया आचार संहिता लगी है, इलेक्शन का माहौल है, 144 धारा लगी हुई है, हर चीज इलेक्शन कमीशन मॉनिटर कर रहा है, छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी गैदरिंग भी इलेक्शन कमीशन मॉनिटर कर रही है, और सवाल जवाब हमसे होता है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपस में कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई बहन, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन प्रशासन कह रहा है 12 बजे, 15 मिनट पहले, 4 बजे, ऐसा क्यों सर, उनको कोई ऑब्जेक्शन है क्या, कोई ओकेशन। दूसरी बात सर, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, किसी भी मंदिर में जाके कर सकते हैं, वो एक ही मस्जिद नहीं है, नवलगढ़ में वो 30 मस्जिद है, अगर आप प्रशासन उनको कहे कि आप एक बार, आज एक दिन का काम होगी तो बार बार नहीं आती है, उनकी नमाज तो हर रोज होती है, तो एक दिन ऐसा कर लें कि सर एक दूसरी मस्जिद में पढ़ लें, तो क्या होगा, लोग भाईचारा बना रहेगा, लेकिन सर आपकी वो घोड़ा पुलिस और आपके कमांडो और सब आकर के नवगढ़ में पूरा डर का माहौल हो जाता है, ऐसा नहीं सर, होली तो स्वार्थ का ऐसा माहौल इसलिए बना कि एक इतिहास है। मुस्लिम हिंदू भाई ये सभी CLG के मेंबर हैं, CLG मतलब पुलिस मित्र, हम आप सबके साथी हैं, दोस्त हैं, मेरा मानना ये है कि हम सब मिलकर त्योहार है वो आराम से भाईचारे से मनाते हैं,
अब दूसरी बात यह है कि जिम्मेदारी सीएलजी के जितने भी मेंबर हैं ये क्या करते हैं, पुलिस की सहायता, पुलिस के दोस्त होते हैं। तो मेरा निवेदन ये है जितने भी सीएलजी के मेंबर हैं उन सबको व्यवस्था दी जाए और उनको सभी से ये कहा जाए कि आप सभी गैर में आइए और व्यवस्था संभालिए, तभी व्यवस्था से फिर से हमारे पास है। मैं तो आप लोगों के से सुनना चाहता हूँ कि हमारे पास तो सब कुछ है, आराम से एक एक करके आराम से। हाँ बताइए सर, मेरा नाम विकास ठाकर, मैं गणेशपुरा से नवागढ़ से हूँ। पिछले 3 सालों से हमारी नोटिस आ रही है, तो केस हमारे और कुछ किस बात की नोटिस आ रही है? हम दिन अभी जिस विषय पे पहले चर्चा हो रहा है पहले वो करने दो भाई, टाइमिंग की चर्चा हो रही, टाइमिंग के ऊपर आप लोग बताए। नमस्कार, टाइमिंग का ये है सर, मैं 2008 से तो एकदम व्यस्त हूँ और पूरी टाइमिंग मेरे को ध्यान में है, आपके यहाँ पे भी फाइल मेंटेन होती है। आप 2008 का टाइमिंग निकाल के देखिए, मंगलवार की होली थी, गेट रिलीज 1:15 का हमको टाइम था, वो 1:30 तक निकल गए थे। अभी टाइम के पीछे यार प्रशासनिक क्या सोच है कि 1:15, 1:30, 12:30, 12:15 रात 12 की बात हो रही है, तो वो थोड़ा आप बताइए 1:15 क्या 1:15 कोई मुहूर्त है क्या? नहीं, मुहूर्त तो 12 का भी नहीं है सर, तो 12 का नहीं है तो प्रशासन और पुलिस करते हैं सर। हाँ, हमें अपने हिसाब से जो सही लगेगा वो हम टाइम देंगे, ठीक है, और उसके पालना सुनिश्चित भी कराएंगे। आपने चर्चा के लिए बुलाया है, उनसे बात करने के लिए हम आपको बता रहे हैं सर। आपसे ये अपने कलेक्टर साहब ने कुछ साल पहले ये तय कर दिया था कि साहब ये 12:30 तक रहेगा या 12 बजे तक रहेगा, वो आपको पता है उस ऑर्डर का? हाँ, और ये आज नहीं, काफी समय पहले से तय किया हुआ। आप 2022 सुन लीजिए, 2022 में मैं यहाँ खेतड़ी में था, तब मैं यहाँ आया था, उस समय मुझे ध्यान है 12:30 बजे यहाँ से जुलूस निकल गया। हमारा त्यौहार सीजन आ रहा है, होली है, धुलंडी है, रमजान का भी महीना चल रहा है, तो इस त्यौहार के सीज़न को ध्यान में रखते हुए सीएलजी और जितने भी समाज के अलग अलग समाज के जितने मौजूद लोग हैं सबको यहाँ बुलाया गया था, सबके साथ एक कंस्ट्रक्टिव एक पॉजिटिव एक चर्चा हुई है, सब लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं कि भाई पुलिस और प्रशासन को क्या करना चाहिए कि शांतिपूर्वक बिल्कुल संपन्न हो ये त्यौहार सीज़न, और हमने अपनी तरफ से भी उन सारे सुझाव को सुन लिया है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा और हमें पूरा भरोसा है कि लोगों के सहयोग से बिल्कुल शांतिपूर्वक होली धुलंडी और आगे के भी त्यौहारों को शांतिपूर्वक संपन्न करें। चल, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे आज वार्तालाप होगी? आज टाइमिंग को लेकर वार्तालाप होगा कि जो अपना गैर का जो न्यूज निकलता है कितने बजे निकले, कितने बजे पहुंचे, साथ ही साथ रूम के बीच में जिस रूम से जाता है वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पानी का हो गया, बैरिकेडिंग हो गई, जानवर आ जाते हैं कभी कभी जो अपना पैक्ड रास्ता है उस पर, तो इन सारी विषयों पर चर्चा हुई है, इन सारी विषयों को और जो भी सुझाव दिए गए उनको संज्ञान में ले लिया गया है और बिल्कुल पुख्ता इंतजाम रहेंगे पुलिस और प्रशासन के द्वारा, शांतिपूर्वक बिल्कुल संपन्न करेंगे। सर, त्यौहार के अगले आदेश कब तक क्या रहेंगे, त्यौहार को लेकर टाइमिंग का इनके आदेश कब तक क्या रहेंगे? ये टाइमिंग का अभी हमने जैसा बोला है कि जो पिछले वर्षों में जो टाइमिंग रही अपना यही प्रयास रहेगा कि 12:30 बजे तक जो है अपना ये गैर का जुलूस को शांतिपूर्वक संपन्न करें।